नमस्कार दोस्तों, आज है 6 मई 2021। आज की डेली करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द प्रोविजंस ऑफ अ महाराष्ट्र लॉ प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन टू द मराठा कम्युनिटी। हाउ मच रिजर्वेशन मराठा कम्युनिटी यूज टू गेट अंडर महाराष्ट्र लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने वाले महाराष्ट्र के कानून के प्रावधानों को रद्द कर दिया है। महाराष्ट्र कानून के तहत मराठा समुदाय को कितना आरक्षण मिलता था? तो 16% का आरक्षण मिलता था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में एक कानून पास हुआ था, इस कानून के फलस्वरूप मराठा कम्युनिटी को महाराष्ट्र में 16% रिजर्वेशन दिया जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक 5 जज की बेंच ने यह आदेश दिया है कि यह कानून महाराष्ट्र का गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। और सुप्रीम कोर्ट के 5 जज की बेंच ने क्लियरली कहा है कि महाराष्ट्र का यह कानून आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 को वायलेट करता है, अतः यह कानून रद्द कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के इंदिरा साहनी जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि रिजर्वेशन किसी भी कीमत पर 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी आपका सही है। हु हैज बीन स्वॉर्न इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल फॉर थर्ड कंजीक्यूटिव टर्म। बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ किसने ली है? तो ममता बनर्जी ने बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ ली है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ममता बनर्जी बंगाल की 8वीं मुख्यमंत्री हैं, 8th चीफ मिनिस्टर हैं। उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है। ममता बनर्जी शुरुआत में अपने करियर की स्टार्टिंग में कांग्रेस पार्टी की सदस्य हुआ करती थी, लेकिन 1998 में उन्होंने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का गठन किया, जिसकी कि वो हेड भी हैं। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 213 सीटें प्राप्त हुई हैं। बंगाल के पहले मुख्यमंत्री बीसी रॉय थे। विधान चंद्र रॉय बंगाल के पहले मुख्यमंत्री थे और बंगाल के मुख्यमंत्री एक थे ज्योति बसु, जो लगातार 23 वर्षों तक बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। कंटिन्यूअस में 23 ईयर्स के लिए बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे, 1977 से 2000 तक। और पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के मुख्यमंत्री लगातार 24 वर्ष तक रहे थे। तो पवन कुमार चामलिंग लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं इंडिया के किसी भी स्टेट के, और दूसरे नंबर पर ज्योति बसु आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, हु इज गोइंग टू बी स्वॉर्न इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु ऑन 7 मई 2021। 7 मई 2021 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेने वाला है? तो एमके स्टालिन शपथ लेने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। एमके स्टालिन का पूरा नाम है मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन, एमके स्टालिन। एमके स्टालिन डीएमके पार्टी से संबंधित हैं। डीएमके पार्टी ने तमिलनाडु में जो विधानसभा चुनाव हुआ 2021 में, उसमें 147 सीट्स पर विजय हासिल की। एमके स्टालिन तमिलनाडु के 8वें मुख्यमंत्री होंगे। एमके स्टालिन 2009 से 2011 तक तमिलनाडु के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और ये तमिलनाडु के हिस्ट्री में पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। ये एम करुणानिधि के बेटे हैं। एम करुणानिधि डीएमके पार्टी से संबंधित थे और वे भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं तमिलनाडु के। डीएमके पार्टी फॉर्म इसका होता है द्रविड़ मुनेत्र कझम। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी अन्नादुराई के द्वारा, और अन्नादुराई पहले एक पार्टी हुआ करती थी तमिलनाडु में, यानी साउथ इंडिया में, मद्रास में। इसका नाम था द्रविड़र कझम, द्रविड़र कझम के मेंबर हुआ करते थे, और यह पार्टी थी पेरियार ईवी रामास्वामी की। लेकिन बाद में 1949 में ये अलग हो गए और इन्होंने अपनी अलग से एक पार्टी बना ली, जिसका नाम रखा गया डीएमके पार्टी। और बाद में अन्नादुराई जब तमिलनाडु स्टेट बना, तो तमिलनाडु स्टेट के पहले मुख्यमंत्री भी बने थे, और तमिलनाडु स्टेट के पहले वहां पर मद्रास स्टेट हुआ करता था, तो मद्रास स्टेट के पहले मुख्यमंत्री थे सी राजगोपालाचारी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हु ओन द यूनेस्को गुलेरमो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड। मारिया रेशा ने यह अवार्ड जीता है, यूनेस्को गुलेरमो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड। यूनेस्को गुलेरमो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 1997 से दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नाम आया यूनेस्को का। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, पेरिस फ्रांस की कैपिटल है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई और वर्तमान में यूनेस्को के प्रेसिडेंट ऑड्रे अजौले हैं। ऑड्रे अजौले वर्तमान में यूनेस्को के प्रेसिडेंट हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5, मानस बिहारी वर्मा डाइड रिसेंटली ड्यू टू हार्ट अटैक, हु वॉज ही? मानस बिहारी वर्मा का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, वह कौन थे? तो वे एक एरोनॉटिकल साइंटिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। मानस बिहारी वर्मा बिहार के रहने वाले थे, उनको भारतीय सरकार ने पद्मश्री अवार्ड भी दिया था और उनका मुख्य रूप से योगदान था लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में, जिसका नाम है तेजस, और वे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के एसोसिएट हुआ करते थे, सहयोगी हुआ करते थे। तो मानस बिहारी वर्मा का हाल में निधन हो गया है, वे एक एरोनॉटिकल साइंटिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द विनर ऑफ 2021 स्नूकर चैंपियनशिप? 2021 स्नूकर चैंपियनशिप का विजेता कौन है? तो मार्क सेल्बी है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 2021 का स्नूकर चैंपियनशिप इंग्लैंड में हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड रिसेंटली टू प्रोवाइड फ्री राशन फॉर 2 मंथ टू 72 लाख राशन कार्ड होल्डर? किस राज्य सरकार ने हाल ही में 2 महीने तक के लिए 72 लाख तक के राशन कार्ड धारक को मुफ्त में राशन प्रदान करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की गई है दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। दिल्ली राज्य सरकार ने दिल्ली में 72 लाख राशन कार्ड होल्डर को 2 महीने तक के लिए फ्री में राशन देने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? मिडवाइफ का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 2021 की 5 मई को जो इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ मनाया गया, इसका थीम था फॉलो द डेटा इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। इसके अलावा 5 मई को वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे भी मनाया जाता है, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे भी 5 मई को ही मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, विच एक्स श्रीलंकन क्रिकेटर इज बैंड बाई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रिसेंटली? हाल ही में इस श्रीलंकाई क्रिकेटर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, तो नुआन जोएसा को प्रतिबंधित किया गया है आईसीसी के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। हाल ही में श्रीलंकन क्रिकेटर थिसारा परेरा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। थिसारा परेरा रिटायरमेंट ले रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड वर्किंग जर्नलिस्ट एज फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स? किस राज्य सरकार ने कार्यरत पत्रकारों को फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स घोषित किया है? तो यह घोषणा किया गया है उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। उड़ीसा की सरकार ने यह घोषणा की है कि वहां पर कार्यरत जो पत्रकार हैं उनको फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर माना जाएगा। तो उड़ीसा की गवर्नमेंट ने एक मिशन लॉन्च किया है, इस मिशन का नाम है मिशन 0F। उड़ीसा की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है इस मिशन के तहत उड़ीसा यह प्रयास करेगा कि वहां पर बच्चों का जो फेल ग्रेड होता है वो कम से कम हो। बच्चे जो हाई स्कूल लेवल तक फेल हो जाते हैं अपनी कक्षाओं में, उनकी संख्या कम से कम हो और कोशिश होगी कि उनकी संख्या 0 तक पहुंच जाए। तो मिशन 0F का यही उद्देश्य है। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक हैं, उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल हैं और कोणार्क सन टेम्पल, ये पूरी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी में स्थित है और यह मंदिर नरसिंह देव वन के द्वारा बनाया गया था। नरसिंह देव वन एक राजा हुआ करते थे गंग डायनेस्टी के, और इस मंदिर के निर्माण की अवधि मानी जाती है कि 1250 CE के आसपास रही होगी। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी आपका सही है। Which country signed a pact with India on migration and mobility wherein India will take back illegal migrants from it in return for employment visas for 3000 Indian professionals? किस देश ने प्रवासन और गतिशीलता पर भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें भारत 3000 भारतीय पेशेवरों के लिए रोजगार वीजा के बदले यहां से अवैध प्रवासियों को वापस ले जाएगा? तो यह समझौता भारत ने यूके के साथ किया है, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के साथ। इस समझौते के तहत भारत अपने अवैध प्रवासियों को वापस ले जाएगा और बदले में यूके भारत के 3000 पेशेवरों को रोजगार वीजा देगा। तो यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हैं और भारत के संविधान में बहुत सारी चीजें ब्रिटिश
ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। इसमें है आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, कंसेप्ट ऑफ द रूल ऑफ द लॉ, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल, और लेजिस्लेटिव प्रोसेस। तो ये सारी चीजें भारत के संविधान में यूके के संविधान से ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच कंट्री ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द एंड ऑफ 12th इबोला आउटब्रेक विच किल्ड सिक्स पीपल इन इट्स ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ नॉर्थ कीवी। किस देश ने आधिकारिक तौर पर 12वें इबोला के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की, जिसने इसके पूर्वी प्रांत उत्तरी कीवू में 6 लोगों को मार दिया? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने यह घोषणा की कि उसके यहाँ जो 12th इबोला का आउटब्रेक हुआ था वो ऑफिशियली एंड हो गया है। तो कांगो के नाम से दो स्टेट हैं, दो कंट्री हैं, सॉरी दो कंट्री अफ्रीकन कंटिनेंट में है, और इसमें कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर मैप में मैंने दिखा दिया है, जो आपको यहाँ बीच में थोड़ा सा लाइट पिंक कलर में दिख रहा है वो आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, और इसके नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पे आपको दिख रहा होगा रिपब्लिक ऑफ कांगो। दो कंट्री हैं कांगो के नाम से, एक का नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और दूसरे का नाम है रिपब्लिक ऑफ द कांगो। रिपब्लिक ऑफ द कांगो की कैपिटल ब्रेजाविले है। ब्रेजाविले रिपब्लिक ऑफ कांगो की कैपिटल है, और कभी कभी रिपब्लिक ऑफ कांगो को कांगो ब्रेजाविले भी कहा जाता है। ऐसे ही डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की कैपिटल किंसासा है, और किंसासा का पुराना नाम लियो पॉल्ड विले था। तो कभी कभी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो को कांगो लियोपोल्ड विले भी कहा जाता है। और यहाँ पर एक रिवर बहती है जिसका नाम है कांगो रिवर, और कांगो रिवर को कांगे रिवर का दूसरा नाम है जायरे रिवर। तो कांगो रिवर या जायरे रिवर या इक्वेटर को 2 बार काटती है। इक्वेटर जो लाइन होती है, भूमध्य रेखा जो होती है, इसको कांगो रिवर या जायरे रिवर 2 बार कट करती है। और कांगो रिवर अफ्रीकन कंटिनेंट की दूसरी सबसे बड़ी रिवर है। सबसे बड़ी रिवर नाइल रिवर है, और नाइल के बाद आपका आ जाए कांगो रिवर। और कांगो रिवर यह दुनिया की सबसे गहरी नदी है, डीपेस्ट रिवर है कांगो रिवर। ध्यान रखिएगा कांगो रिवर का दूसरा नाम जायरी रिवर भी होता है। आपके लिए क्वेश्चन है, जगमोहन मल्होत्रा डाइड रिसेंटली, हु वॉज ही? जगमोहन मल्होत्रा का अभी हाल में निधन हो गया है, वे कौन थे, किस प्रोफेशन से जुड़े हुए थे, आपको ये बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लिखिएगा। अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा है और इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है डीके एंड करेंट अफेयर्स बाय ब्रिजेश कुमार वर्मा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद।